हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग इवनिंग स्नैक्स रेसिपी। तो इवनिंग स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे, थोड़ा सा, 2 चम्मच सरसों का तेल, और उसमें जो कच्ची मूंगफलियाँ होती हैं उनको हम अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद इसको हम अलग एक निकाल के पहले रख देंगे, तो हमारी मूंगफली जब चट-चट की आवाज़ आने लगे इट मीन्स कि वो फ्राई हो चुकी है। तो अब हमने इन मूंगफलियों को बाहर निकाल ली। तो आप सबके घर में दिवाली वाले जो खीले होते हैं वो तो बचे हुए रखे ही होते होंगे, तो वो भी मैंने यहाँ पर एक कटोरी लिया है और उसको भी मैं थोड़ा सा तेल डालकर, आधा चम्मच तेल डालकर उसको भी मैं ऐसे ही रोस्ट कर लूँगी कढ़ाई में। और इसको भूनने के बाद अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी पोहा, और वो भी मैं इसमें ऐड करके उसको भी मैं भून लूँगी। तो इन दोनों को मैं ऐसे ही उसी 1 चम्मच तेल भी पूरा नहीं लगेगा, आधे चम्मच तेल में ही ये पूरा इसको अच्छे से भून के मैंने इसको बाहर निकाल लिया है एक प्लेट में। और अब मैंने फिर से 1 चम्मच ऑयल इसमें डाला कढ़ाई में, और इसमें डाला मैंने कटा हुआ बारीक बारीक प्याज, और बारीक बारीक प्याज को कच्चा हल्का जो है कच्चापन ही रहने देना है, इसमें ज़्यादा इसको भूनना नहीं है। इसमें मैंने हल्दी और धनिया और जो नमक होता है बेसिक से मसाले इसमें डालकर, और किंग मसाला जो होता है MDH का, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के मैं इसको जो है मिक्स कर लूँगी प्याज के साथ। और इसको ज़्यादा मतलब पकाना नहीं है प्याज को, इतना ही कच्चा डालते ही इसमें मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर, मतलब 1 मिनट के अंदर ही इसमें मसाले ऐड करके इसको मसाले बस पकने तक वेट करना है। और उसके बाद जैसे ही मसाले पक जाएं, इसमें हमने जो भून के रखी थी खीले और जो पोहा भून के रखा था वो हम बाहर इसमें इसके अंदर डाल देंगे, और इसमें अच्छे से सारे मसालों के साथ इसको कोटिंग कर लेंगे मिक्स करके। और जो हमने कच्ची मूंगफलियाँ पहले ही भून के बाहर निकाल ली थी फ्राई करके, उनको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और फिर बाद में मैं इसमें डालूंगी कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी को भी हाथ से ऐसे ही क्रश करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इससे इसका टेस्ट जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं, अगर है तो प्लीज़ आप इसको प्लीज़ जरूर डालें। दूसरी तरफ यहाँ पर मेरी शाम की चाय भी बनकर बिल्कुल तैयार है, और मेरे इवनिंग स्नैक्स भी बनकर बिल्कुल तैयार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।